Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. और आज के vlog में मेरी एक ड्रेस है रेड कलर की, तो बहुत टाइम बाद में मुझे डिलीवर्ड हो रही है और अभी वो आने वाली है, तो फटाफट चलते हैं क्लास क्योंकि उनका सुबह से फ़ोन आ रहा है ड्रेस के लिए. फटाफट चलते हैं क्लास. और ये देखो, ये पागलों की तरह रेडी हो रही है. ठीक है, फटाफट चलते हैं क्लास, मुझे वो ड्रेस लेनी है, उसके बाद में मैं उसको पहन के पूरा लुक भी दिखाऊंगी आपको. तो पहले चलते हैं क्लास. तो गाइस, तुम्हारा पार्सल आ गया है. तो गाइस, सबसे पहले मैं मेन जो ड्रेस है उसकी ओपनिंग करूँगी, फिर दिखाऊंगी मम्मी ने कौन सी साड़ी मंगाई है. तो ये थी मेरी ड्रेस, पैकिंग भी अच्छी आई है इसकी. और इसको ओपन करते हैं पूरा. और ये रही पूरी ड्रेस. ये इसकी चुन्नी है, चुन्नी भी हैवी है, अच्छी है, चुन्नी भी अच्छी आई है गाइस. और ये पैंट है जो नॉर्मली ड्रेस में आती है. और ये है मेरी ड्रेस की हाइट. मुझे हाइट की प्रॉब्लम आती है, तो इसमें मुझे हाइट की प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये देखो, इसकी हाइट फुल है. मैं आपको दिखाऊंगी मेरा फाइनल लुक, फिर आप बताना कैसा लग रहा है. तो आप देख रहे हो, तब तक मैं इसकी फिटिंग करके पूरा वो इसी ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ. तो आप लोग देख के बताना कैसी लग रही है. तो गाइस, अभी मेरी दो इयररिंग सेट और ज्वेलरी सेट भी आया था जो मैंने पापा के एड्रेस पे भेजा था. तो अब ये भी खोल के दिखाती हूँ कैसा है. तो सबसे पहले हम इसकी ओपनिंग कर रहे हैं. तो सबसे पहले ये हमारी नोज पिन, टोटल ये 6 आई है, टोटल 5 आई है नोज पिन. तो कल मैं ये पहनने वाली हूँ. तो ये हो गई नोज पिन. अब हम दूसरा पार्सल खोलते हैं. तो ये हमारा दूसरा पार्सल, जिसमें सबसे पहले हमारा ब्रेसलेट, मिरर वर्क में है पूरा. ये रहा ब्रेसलेट. उसके बाद में है ये इसकी नॉर्मल इयररिंग्स, और ये है इसके गले का, ये रहा गले का. तो ये मुझे बहुत ही अच्छा रिसीव हुआ है, जैसा मैंने सोचा था. तो गाइज, अभी मेरी दीदी भाप ले रही है क्योंकि उसको उनको जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है. तो देखो, तो गाइज मैंने फाइनली इसको पूरा कर दिया है फिटिंग वगैरह. अब मैं पहन के बताती हूँ कि कैसा लग रहा है, और आप बताना कैसा लग रहा है. तो गाइज, ये मैंने पहन ली है पूरी ड्रेस. अब मैं पूरा मेकअप करूंगी, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ लेके आऊंगी. ये इसकी चुन्नी है. तो पहले मैं फटाफट तैयार होती हूँ, रुको. तो गाइज, सबसे पहले लगाऊंगी मैं नॉर्मली मॉइस्चराइजर या जो भी बोलो बॉडी लोशन, मैं हल्का से लगाऊंगी. और मेरी आवाज़ ऐसी इसलिए आ रही है, नुकसान कर दिया. तो गाइज, ये लगा लेते हैं. ठीक है गाइज, तो ये हो गया है. ठीक है, और उसके बाद मैं लगाऊंगी मैं बीबी क्रीम. तो गाइज, थोड़ा सा लगाऊंगी मैं, क्योंकि फिर ज़्यादा ही फेस वाइट हो जाता है. तो गाइज, उसके बाद मैंने लगाई बीबी क्रीम. ठीक है, देख लो मैंने लगा ली है. अब मैं लगाऊंगी फेस पाउडर या फिर नॉर्मल पाउडर. सोचो नॉर्मल पाउडर लगाऊं, फेस पाउडर से ज़्यादा ही वाइट हो जाएगा इसलिए. तो गाइज, थोड़ा सा मैंने नॉर्मल पाउडर ले लिया है, लेकिन उसको मैं ब्लेंडर से करूँगी. ठीक है, तो ये हो गया है अच्छी तरीके से. ओके, तो ये देख लो अच्छी तरीके से मैंने इसको भी मिक्स कर लिया है. अब मैं हल्की सी पहले अपनी बिंदी लगा लूँगी जो मैं रेगुलरली लगाती. तो ये रही मेरी बिंदी, लगा ली मैंने, बिंदी लग गई, अब ठीक लग रहा है. अब सबसे पहले लगाऊंगी मैं आई शेडो. मेरी हालत इतनी ख़राब है कि मैं वीडियो ही नहीं बना सकती, लेकिन मुझे वीडियो बनानी है. ठीक है, क्योंकि मुझे ये ड्रेस के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, तो मुझे ये ड्रेस भी तो दिखानी पड़ेगी ना इसलिए. तो फटाफट है ना लगाते आई शेडो, उसके बाद में आगे आगे की धीरे धीरे क्या क्या लगाते हैं वो भी पता चल जाएगा आपको. और नेक्स्ट व्लॉग किसमें चाहिए ज़रूर बताना. और अगर आप नहीं बता पा रहे यहाँ पे, मैं आपके मैसेज यहाँ पे सीन नहीं करी, तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे सोनल डांस स्टूडियो, यहाँ पे मैं आईडी डाल दूंगी अपनी, यहाँ मुझे फॉलो करके यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर देना, मैं देख लूँगी उसमें आप लोगों ने क्या बोला है. तो ये रहा गाइस मेरा आई शेडो. देखो, इसमें सारे शेड है. अब मैं कौन सा लगाऊंगी इस ड्रेस के अकॉर्डिंग, मैं बहुत ही लाइट रखूंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा हैवी मेकअप मुझे पसंद नहीं है, तो मैं लाइट रखूंगी. तो गाइस, एक आँख तो मेरी हो गई है, दूसरी आँख कर लियो आप. तो गाइस, दोनों आँखों में आई शेडो हो चुका है मेरा, बहुत ही हल्का दिख रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत ही लाइट लगाया है. अब लगाते हैं लाइनर. तो अब लगा लेते हैं लाइनर. इस शीशे पे लगाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे को आंखों पे एकदम ऊपर दिखना पड़ता है ना, इसलिए ये शीशा बेस्ट है. एक आंखों में हो गया, दूसरी आंख में भी लगा लेते हैं. तो गाइस, लाइनर भी मैंने लगा लिया है. ये देखो, अच्छी तरीके से लाइनर भी लग गया है मेरा, बहुत अच्छा लाइनर लगा है. अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक. तो लिपस्टिक से पहले मैं लगाऊंगी नॉर्मली जो लिप ग्लॉस होता है, वैसा ही है. ओके, तो लिपस्टिक से पहले मैंने लगा लिया नॉर्मली ये. अब लगाऊंगी लिपस्टिक. अब लिपस्टिक कौन सी लगाऊंगी, ये वाली जो मेरी फ्रेंड ऐश्वर्या ने मुझे गिफ्ट की थी. इसमें से मुझे जो इसके ऊपर बेस्ट लगेगा मैं वही लगाने वाली हूँ. तो देखो, इतने सारे शेड है. अब इसमें से मैं कौन सा शेड लगाऊंगी, तो मैं ये लगाती हूँ. थोड़ी सी ज़्यादा डार्क में है, नहीं नहीं नहीं, नहीं. बहुत ज़्यादा ही डार्क हो जाएगी. तो मैं लगाती हूँ ये जो हल्की सी लाइट में है. इसको रख देते हैं वापस. तो गाइस, ये देखो मैंने लिपस्टिक भी लगा ली है, बहुत ही एकदम इसकी कलर की लग रही है, ड्रेस के कलर की बहुत ही क्यूट लुक लग रहा है. अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे हाइलाइटर. तो हाइलाइटर का ब्रश ये रहा,
मुझे हाइलाइटर लगाना नहीं आता है, मुझे मेकअप का कुछ भी नहीं आता है, पर मैं कर लेती हूँ। तो गाइस मैंने बहुत ही हल्का सा लगाया है, यहाँ पे थोड़ा सा लगा लेती हूँ, बहुत ही हल्का लगाया है क्योंकि मुझे ज़्यादा हैवी मेकअप पसंद नहीं है। और इतने में मेरी सांस फूलने लगी क्योंकि मेरे नाक दोनों जाम हुए हुए, मतलब मुझे जुकाम हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है। तो अब बनाएंगे हम सबसे पहले हेयर, ठीक है। बेसिकली मैं हेयर खुले ही रखूंगी क्योंकि मैंने एक लुक देखा था इसी ड्रेस पे, तो मैं वो लुक शायद लेने की कोशिश कर रही हूँ, हो जाए तो। मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, तो गाइस फाइनली मैंने मेरे बाल है ना सुलझा लिए, बहुत मुश्किल से, क्योंकि जुकाम की वजह से सर दर्द हो रहा है तो बाल भी दुख रहे थे ऐसे ऐसे करने से, ठीक है। तो अब मैं नॉर्मली बेसिक हेयर स्टाइल करूँगी जो उसने कर रखी थी। पहले हम हमारे फ्लिप्स निकालेंगे, मतलब मैं मेरी फ्लिप्स निकालूंगी। तो ये फ्लिप्स निकल गई है। अब उसने बेसिकली किया था यहाँ से अपने बाल को फोल्ड करके किया था, तो मैं वही करने वाली हूँ। तो ये हल्के से बाल लेके, हल्के से इधर से बाल लेने हैं, फिर इसी में हल्का सा इधर लेना है, और उसके बाद में इसको पीछे पिन कर लेना है। बहुत ही सिंपल स्टाइल, आप भी कर सकते हो, अच्छा लगेगा। अब इसको यहाँ पे मैं पिन कर लूंगी, ये देखो बेसिकली यहाँ से हो गया, सेम यहाँ से भी करूंगी। ये हमारी हेयर स्टाइल भी हो गई। अब मैं पहनूंगी इसके ऊपर जो ज्वेलरी सेट मैंने मंगाया था, ये भी आपने देख रखा है। तो ये रहा हमारा पूरा ज्वेलरी बॉक्स। उसमें सबसे पहले है ये ब्रेसलेट, तो ब्रेसलेट मैं पहनूंगी इसके अंदर, ये देखो, ठीक है। अब हमारी एक नोज पिन है, नोज पिन एक्चुअली ऑलरेडी मेरे इधर पहनी हुई है, तो मैं इसी के ऊपर पहन के बताऊंगी क्योंकि मैं इसको खोल नहीं सकती, मुझे खोलना नहीं आता, ये वाली पहन रही हूँ मैं, ठीक है। ये आलिया भट्ट ने पहनी थी इयररिंग, मतलब इयररिंग क्या, नोज पिन, नोज पिन आलिया भट्ट ने पहनी थी। अभी वो सॉन्ग आया था ना तुम क्या मिले, वो मूवी में रॉकी एंड रानी, उसमें आलिया भट्ट ने सब में यही पहन रखा था, तो इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने इसको पहन लिया है। अब मैं पहनूंगी नेकलेस, तो इयररिंग, नेकलेस और इयररिंग्स, इयररिंग शायद पहनूंगी ये वाली। तो गाइस ये देख लो मैंने पहन लिया है, और मुझे ऐसा पहन के लगता है कि मेरे गले में फांसी लगी हुई है, ठीक है। अब एक बार मैं इस पे इयररिंग्स भी पहन के देखूंगी, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, नहीं तो मैं झुमके झुमके हैं मेरे पास, मैं वो पहनूंगी। तो देखते हैं इयररिंग कैसी लग रही है इस पे। वाओ नाइस, अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने पहन ली है, इयररिंग भी इसके साथ में, ठीक है, अच्छी लग रही है। अब मैं पहनूंगी इस वाले में वॉच, तो ये रही वॉच जो मुझे अभी सर ने दी थी, तो ये मैंने वॉच भी पहन ली। अब मैं चुन्नी सेट करूंगी, ठीक है। तो चुन्नी मैं बेसिकली मैं ऐसे ही लूंगी, और ये है मेरा फाइनल लुक। अब आप बताना मेरा फाइनल लुक कैसा लगा, एक मैं पूरा दिखा दूं। गाइस ये मेरा फाइनल लुक, तो बता देना मेरा फाइनल लुक कैसा लगा, ठीक है। मैंने पहले सोची थी इसमें मैं छोटी करूं, बट मुझे लगा कि शायद खुले बाल अच्छे लगेंगे, क्या पता मैं वापस पहनूं तो उसमें छोटी कर लूं, ठीक है। तो ये पूरा ये मेरे पापा, पापा ने मतलब दिलाया मुझे, तो ये सारा पूरा लुक है मेरा। पहले मैं सोचा था रेड चूड़ी लूँ, फिर मैंने कहा यार सब में चूड़ी लेती हूँ तो इसमें नहीं लेती हूँ, ठीक है। तो पूरा लुक कैसा लगा आप बता देना, और हाँ नेक्स्ट ब्लॉग किस पे चाहिए मुझे पक्का बताना, किस पे बताओगे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर देना, मैं देख लूंगी और फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग उसी पे बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और मेरे से सांस भी नहीं आ रही, मुझे तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना जल्दी से, 1 मिलियन करवा दो यार, वेट हो रहा है, जल्दी से बाय।